हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओप्पो फ़ोन में कॉल हिस्ट्री डिलीट हो जाती है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है। और अब फ़ोन ऐप को खोजना है जिससे फ़ोन लगाते हैं। तो हम आते हैं नीचे और ऐप को खोजते हैं। देखिए यहाँ पर आ चुका है, इस ऐप पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। ऐसा करने से आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कोई नंबर भी डिलीट नहीं होगा। तो अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे? तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी फ़ोन में प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी। अब इतना करने के बाद अब आपके फ़ोन से कोई भी कॉल हिस्ट्री कभी भी डिलीट नहीं होगी और इस तरह सही हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।